होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन की डेफिनेशंस, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट हम देखेंगे उसका एडवांटेज और ड्रॉबैक के बारे में, इसके बाद जो है टॉपिक सेल्स की एप्लीकेशंस। ठीक है, तो व्हाट आर द सस्पेंशन एंड व्हाई वी आर यूजिंग सस्पेंशन, क्वेश्चन से पुट अप होता है कि सस्पेंशन होता क्या है और हम सस्पेंशन का यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन होता क्या है, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, इट इज अ बाइबेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, इट इज द फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल इज डिस्पर्स इनटू अ लिक्विड फेज। बाइबेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की बाइबेसिक मतलब दो फेज हो। ठीक है, यहां पर जो दो फेज की बात कर रहे हैं, यहां पर दो फेज कौन से होंगे, फर्स्ट थिंग डिस्पर्स फेज और दूसरा फेज कौन सा होगा यहां पर, कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, बाइबेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। डेफिनेशंस को प्रॉपर तरीके से समझे, यहां पर क्या लिखा है, अगर इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो डिस्पर्स फेज और जो कंटिन्यूअस फेज की बात कर रहे हैं, तो डिस्पर्स फेज होगा, हमेशा याद रखना है अपन लोगों को कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्पर्स फेज होंगे, और जो कंटिन्यूअस फेज पे होंगे उस पर अपन क्या लेंगे, कोई भी लिक्विड मीडियम लेंगे। ठीक है, ओके, जैसे कि यहां पर अपन एक पिक्चर के थ्रू समझे, फर्स्ट थिंग ये क्या है अपना कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, ये अपना क्या है कंटिन्यूअस फेज, और यहां पर अपन क्या लेंगे डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज जो होगा, जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं अपन लोग, वो क्या होगा, लीस्ट कंसंट्रेशंस में लेंगे अपन। ठीक है, और जो अपना कंटिन्यूअस फेज होगा उस पर अपन लिक्विड मीडियम लेंगे, वो अपना क्या होगा, मेजर पोर्शंस पे होगा। ठीक है, दूसरी चीज फिर मैंने क्या बोला, इस डिस्पर्स फेज को, इस डिस्पर्स फेज को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फेज में अपन क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स करना, डिस्पर्स फेज का, डिस्पर्सन फेज का कंटिन्यूअस फेज में डिस्पर्स करना, डिस्पर्स मतलब प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्लियर, तो ये क्या है, सस्पेंशन, सिंपली एक छोटी सी डेफिनेशन, मतलब हमने क्या बोला, इट इज अ बाइबेसिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, इन इज द फाइनली डिवाइडेड इन सॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स इज टू बी डिस्पर्स इनटू अ लिक्विड फेज, और इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्पर्स फेज पे होंगे, और लिक्विड फेज होगा क्या क्या होगा, वो कंटिन्यूअस फेज पे होगा। जो डिस्पर्स फेज होगा जिसके अपन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स लेंगे वो क्या होंगे, लीस्ट कंसंट्रेशंस लेते हैं, और जो अपना कंटिन्यूअस फेज होगा वहां पर अपन किसी भी लिक्विड मीडियम को लेंगे, कोई भी अपना सॉल्वेंट लेंगे जो कि क्या होगा, कंटिन्यूअस फेज पे होगा। क्लियर, बात आती है, मैंने बोला सॉलिड पार्टिकल्स, जो डिस्पर्स फेज पे अपन सॉलिड पार्टिकल्स ले रहे हैं वहां पर क्या होंगे, उनकी एक पर्टिकुलर रेंज होगी। ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड को कहीं ना कहीं से एक पार्टिकल्स की एक पर्टिकुलर क्या होगी, एक रेंज होगी, जो वो रेंज लेंगे 0.5 टू 5 माइक्रोन, इतनी ही रेंज में होना चाहिए। यदि हमें एक बेटर सस्पेंशन चाहिए है, एक आइडियल सस्पेंशन बनाना है, तो वहां पर हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा उस सॉलिड पार्टिकल्स की जो रेंज होगी वो माइक्रोन साइज में होगी, और वो माइक्रोन साइज में रेंज कितनी होगी, 0.5 टू 5 माइक्रोन होगी। क्लियर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इन सॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, जो हम लोग किस पे ले रहे हैं, डिस्पर्स फेज पे ले रहे हैं। तो यही बात यहां पर आई है, क्या लिखा है, इंटरनल, एंड वन मोर थिंग्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंटरनल फेज, तो डिस्पर्स फेज को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फेज बोलेंगे। क्लियर, हम डिस्पर्स फेज को क्या बोलेंगे, हम इंटरनल फेज बोलेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, इंटरनल फेज कंसिस्टिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैविंग अ रेंज ऑफ साइज 0.5 टू 5 माइक्रोन। क्लियर, बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज आती है अपनी क्या, एक्सटर्नल फेज, एक्सटर्नल फेज में अपना क्या आएगा, उसको बोलेंगे अपन क्या, कंटीन्यूअस फेज बोलेंगे। कंटीन्यूअस फेज में अपन क्या लेंगे, कोई भी लिक्विड मीडियम लेंगे, कोई भी सॉल्वेंट सिस्टम होगा, पर्टिकुलर यदि कोई नॉन ओरल प्रिपरेशंस बना रहे हैं, तो हम सस्पेंशन को डिफरेंट डिफरेंट रूट से अपन एडमिनिस्टर कर सकते हैं।
हम उसको टॉपिकली भी अप्लाई कर सकते हैं, हम उसको हम पेनेट्रल रूट से भी उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे रूट से हम उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सस्पेंशन का ये मेन एडवांटेज है। और जो इसमें बात करी है हमने एक्सटर्नल फेस में सस्पेंडिंग मीडियम की, तो ये क्या लिखा है कि जनरली एक्वस इन सम इंस्टेंसेस, ज्यादातर हम क्या प्रोसेस करेंगे कि एक्वस जो हमारा एक्वस मीडियम में एक्वस होता है वाटर, हम जनरली जब सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करें तो हम वहां पर क्या है किसी भी सस्पेंशन के लिए हम सबसे आइडियल जो हमारा डिलीवरी व्हीकल्स होगा या सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा हमारा वाटर होगा। बट कुछ जगह हो सकता है कि हमारी ड्रग पर्टिकुलर एक्वस मीडियम में प्रॉपर तरीके से सस्पेंड नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम कोई भी ऑयली या हम क्या करेंगे ऑर्गेनिक हम किसी लिक्विड का क्या करेंगे सिलेक्शन करेंगे। जनरली जो नॉन ओरल सस्पेंशन हम फॉर्मुलेट करते हैं हम वहां पर किसी भी ऑर्गेनिक या ऑयली टाइप के लिक्विड सॉल्वेंट को प्रेफर करते हैं। क्लियर? ओके। तो यहां पर अभी तक मैंने आपको क्या बताई, दो चीजें बताई। फर्स्ट थिंग डिस्पर्स फेस और कंटिन्यूअस फेस। जो डिस्पर्स फेस होता है वो अपना इंटरनल फेस होता है, जो कंटिन्यूअस फेस होता है वो अपना एक्सटर्नल फेस होता है। दूसरी चीज, जो हम सॉलिड पार्टिकल्स ले रहे हैं उनकी जो पार्टिकल साइज रेंज होगी वो कितनी होगी, 0.5 to 5 microns होगी। और जो हम कंटिन्यूअस फेस में हम जो लिक्विड मीडियम में किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं वो जो सॉल्वेंट होगा, हम जनरली जो ओरल प्रिपरेशंस बना रहे हैं उसके लिए हम सबसे आइडियल जो हमारा लिक्विड मीडियम सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। जबकि कोई नॉन ओरल प्रिपरेशंस बना रहे हैं सस्पेंशन में उसके लिए जो हम लिक्विड मीडियम का सिलेक्शन करेंगे वो ऑयली या ऑर्गेनिक। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाई वी आर यूजिंग सस्पेंशन, हम सस्पेंशन का यूज क्यों कर रहे हैं। हम उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में भी तो हम बना सकते हैं, बट हर एक प्रिपरेशन जरूरी नहीं है कि कोई भी सॉलिड किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कंप्लीटली सॉल्युबलाइज हो जाए, ठीक है। यदि वो हमारा सॉल्वेंट में वो पर्टिकुलर सॉलिड कंप्लीटली सॉल्युबलाइज हो गए तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशंस। वो क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशंस बनेगा। लेकिन अब जब कोई ड्रग कंप्लीटली उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज नहीं हो रही है, हमारे पास ड्रग है लेकिन हम उसको किसी तरीके से दे नहीं पा रहे हैं, हम उसको फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हैं, हमें उसको फॉर्मुलेट करने के लिए हमने एक पैटर्न, हमारे पास ऑप्शन है क्या है, सस्पेंशन। हम सस्पेंशन को हमने यहाँ पर क्या लिखा है, द रीजन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, हम उस सस्पेंशन को क्यों फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो ऐसी ड्रग, किन ड्रग को हम सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करेंगे, ऐसी ड्रग जो पर्टिकुलर किसी भी जो ड्रग किसी भी पर्टिकुलर डेली व्हीकल्स में क्या हो, इनसॉल्युबल हो, क्या हो, वही ड्रग है जो किसी पर्टिकुलर डिलीवरी व्हीकल्स में देने पर, व्हीकल्स मतलब यहां पर बात कर रहे हैं किसी भी लिक्विड मीडियम की या सॉल्वेंट की, उस ड्रग वो ड्रग किसी सॉल्वेंट में क्या हो रही है, प्रॉपर तरीके से सॉल्युबलाइज नहीं हो रही है। हम ऐसी ड्रग को हम सस्पेंशन के फॉर्म में क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यही किया है हमने, ये लिखा है कि ऐसी हमने सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट क्यों किया है, जो ड्रग किसी भी पर्टिकुलर डिलीवरी व्हीकल्स में क्या हो रही है, इनसॉल्युबल है, ऐसी कंडीशंस में हम उसको क्या करेंगे, ड्रग को सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करेंगे। दूसरी चीज, टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ द ड्रग, मतलब टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग का कोई भी ड्रग है जनरली क्या होती है, वो बिटर नेचर की होती है। अब हम उसको बिटर नेचर की ड्रग है हम जनरली किसी भी पेशेंट को देंगे कि वो नहीं स्वेल कर पाएगा, ऐसी कंडीशंस में हम उसको क्या करेंगे, सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करेंगे। हमने कोई भी बच्चों के जनरली बच्चों की सीरप आती है आप लोगों ने देखा, वो सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं। लाइक मैं बात करूं पैरासिटामोल सस्पेंशन की बात करूं, क्योंकि आता है मार्केट में सस्पेंशन आता है, बच्चे इजीली स्वेल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमने उस ड्रग को क्या कर दिया है, मास्किंग कर दिया। मास्किंग करने के बाद हमने उसको किस फॉर्म में फॉर्मुलेट किया, सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया है। तो
हमने उसमें सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया और उसमें हमने डिफरेंट टाइप के फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट्स का क्या किया, यूज किया, और कहीं ना कहीं से सस्पेंशन के फॉर्म में हमने उसको फॉर्मुलेट करके हमने उसका क्या कर दिया है, ड्रग का टेस्ट मास्किंग कर दिया। जो बिटर नेचर था उसको हमने क्या कर दिया है, कहीं ना कहीं से सस्पेंशन के फॉर्म में बनाने से उसका जो बिटर नेचर था वो क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। क्लियर। तीसरी चीज हम फिर बात करेंगे व्हाई वी आर यूजिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन क्यों यूज कर रहे हैं, हम चीज का आंसर दे रहे हैं। थर्ड थिंग क्या बोला है, टू इंक्रीज द ड्रग स्टेबिलिटी। हम ड्रग को सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करके उस ड्रग की हम स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी ड्रग होती है कि वो सॉल्यूशन के फॉर्म में बन जाती है बट उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन हम यदि उस ड्रग को सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर देंगे तो हम ऐसी कई बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, हम उन ड्रग पर स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, टू अचीव द कंट्रोल और सस्टेन रिलीज ड्रग सिस्टम। बहुत सारी ड्रग होती है जो कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो नहीं करती है, उनका जो अपन ड्रग का रिलीज मैनर है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो हम उस ड्रग का रिलीज मैनर को, रिलीज पैटर्न को हम सस्पेंशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन की बात करेंगे यहाँ पर, सम फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, सम फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन किस किस फॉर्म में हम सस्पेंशन को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, तो पहली चीज हम एंटी एंटासिडिक ओरल सस्पेंशन, मार्केट में बहुत सारे एंटासिडिक प्रिपरेशंस अवेलेबल है, आप लोगों ने देखा हो, चाहे वो जेनिसिल की बात करें, चाहे वो हम डाइसिन की बात करें, बहुत सारे कमर्शियल ऐसे ब्रांड हैं जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, मतलब हम सस्पेंशन को ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं और एंटासिडिक ओरल सस्पेंशन या एंटीबैक्टीरियल ओरल सस्पेंशन, थर्ड ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन, एंथेलमेंटिक ओरल सस्पेंशन, एनाल्जेसिक ड्रग को भी हम सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर सकते हैं, एंथेलमेंटिक सिरप्स होते हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वो सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कई सारी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग होती हैं जिनको भी हम क्या कर सकते हैं, सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर रहे हैं और पेशेंट को फिर एडमिनिस्टर करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे किसके, सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन को क्लासिफाइड किया गया है, फर्स्ट जो है इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल क्लासेस, सस्पेंशन को फर्स्ट एक जो ओरली सस्पेंशन अपन एडमिनिस्टर करते हैं, ओरल में आ जाते हैं जैसे कि लाइक पैरासिटामोल हो गया, ठीक है, एंटासिड सस्पेंशन हो गया, टेट्रासाइक्लिन का भी सस्पेंशन आजकल मार्केट में हालांकि नहीं दिखेगा, आउटडेटेड हो गया, बट इसको भी हम सस्पेंशन की फील्ड में क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेंशन, सस्पेंशन का एक जो मेजर एडवांटेज है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, टॉपिकली भी ड्रग को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटर्नली हमें किसी ड्रग को स्किन पर अप्लाई करना है तो ऐसी ड्रग को सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करके हम उसको क्या करेंगे, टॉपिकली अप्लाई करेंगे, तो जैसे कि लाइक कैलामाइन लोशन, ठीक है, कैलामाइन जो आता है मार्केट में भी आपको इजीली मिल जाएगा और उसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, वो देखना कभी भी उस तरीका रहता है सस्पेंशन, ठीक है, कैलामाइन सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। ऐसी बहुत सारी ड्रग है जिनको हम पैरेंट्रल के फॉर्म में भी पैरेंट्रल सस्पेंशन भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन आता है प्रोकेटेंसिन जी, ठीक है, और इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, ये सब क्या है, इन ड्रग को इंजेक्टेबल फॉर्म में देंगे और उसको क्या करेंगे, सस्पेंशन के फॉर्म में बनाएंगे। जो पैरेंट्रल सस्पेंशन यहाँ पर लेकिन पार्टिकल साइज रेंज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पार्टिकल साइज रेंज को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी 0.5 to 5 micron। फिर बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ये क्लासिफिकेशन की तरह फर्दर क्लासिफाई किया है यहाँ पर, या तो हम 2 to 10% वेट बाई वॉल्यूम सॉलिड की कंसेंट्रेशन लेंगे, तो हमारा पहला सस्पेंशन आता है डाइमंड
पर जो सॉलिड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 2 to 10% लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि लाइक आ जाते हैं आपका पार्टीशन एसिडेट, दूसरा आ जाता है आपका क्या, प्रेडनिसोलोन एसिडेट। नेक्स्ट आता है ना कंसंट्रेटेड होमोलॉजी सस्पेंशन होता है, बताते हैं इसमें जो सॉलिड पार्टिकल की रेंज होगी वो कितनी होगी, 50% तक हम उस पर क्या लेंगे, सॉलिड की कंसंट्रेशन लेंगे। यहाँ पर सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी ले रहे हैं, 2 to 10% ले रहे हैं। यहाँ पर अभी कितना ले रहे हैं, वन कंसंट्रेटेड सस्पेंशन बना रहे हैं, यहाँ पर कितना ले रहे हैं सॉलिड 50% ले रहे हैं, मतलब उस पर 50% क्या रहेगा, सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे और 50% जो रहेंगे हमारा क्या रहेगा, रिमेनिंग लिक्विड मीडियम रहेगा। यहाँ पर भी जो मैंने बात करी, यहाँ पर सॉलिड की कंसंट्रेशन की बात करी, ठीक है, कितना होगा सॉलिड की कंसंट्रेशन, 2 to 10% के लिए, क्लियर। मतलब हम उसको क्या बोल रहे थे, डाइल्यूट सस्पेंशन, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेटेड सस्पेंशन। जो डाइल्यूट सस्पेंशन आते हैं जैसे कि लाइक कार्टिसोन एसिटेट और प्रेडनिसोलोन एसिटेट, और जो कंसंट्रेटेड सस्पेंशन के फॉर्म में बनाते हैं वो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, क्लियर। अब बात करेंगे हम यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, सस्पेंशन के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सस्पेंशन के थ्रू क्या करते हैं, सस्पेंशन कैन इंप्रूव केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग, ऐसे बहुत सारी ड्रग होती है जिनका क्या होता है, केमिकल डिग्रेडेशन हो जाता है, हो सकता है मेरी हाइड्रोलिसिस हो जाए, हो सकता है मेरी ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ऐसी ड्रग को केमिकली प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे कि लाइक ड्रग दिया हमने प्रोकेपेसिन जी, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करा, और इससे ड्रग को क्या कर सकते हैं, केमिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो आती है, जो ड्रग की बहुत सारी ड्रग्स को सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करने पर बायोअवेलेबिलिटी भी क्या होती है, एनहांस हो जाती है। क्या लिखा है, ड्रग इन सस्पेंशन एग्जिबिट हायर रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी देन अदर डोजेस फॉर्म, हमने उस ड्रग को क्या किया, सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट किया और उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, फर्स्ट थिंग रेट एंड अमाउंट ऑफ द ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, पर्टिकुलर मतलब कितना अमाउंट ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर्टिकुलर कितने टाइम पर कितना अमाउंट ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन पर पहुंचा है, जा रहा है, ड्रग क्या होगी, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, है ना। तो जैसे कि सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन, जिसकी सॉल्यूशन के केस में सबसे ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी मिलेगी, देन फिर क्या होगी, सस्पेंशन की बायोअवेलेबिलिटी, इसके बाद क्या होता है, कैप्सूल्स। ये एक ऑर्डर दिया हुआ है कि किस फॉर्म में जनरली ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी किस फॉर्म में होती है, सॉल्यूशन से, यदि कोई भी प्रिपरेशन से हमने सॉल्यूशन फॉर्म में बनाई है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। देन फिर किसकी होगी, सस्पेंशन में। नेक्स्ट इसके बाद कैप्सूल, फिर कंप्रेस टैबलेट, फिर किसकी आ जाएगी, कोटेड टैबलेट, क्लियर, ओके। यदि हम बात करें ऑनसेट ऑफ एक्शंस की, तो हम ऑनसेट ऑफ एक्शंस कैसा है, उसका ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शंस, जैसे कि पैरेंट्रल की बात करें तो पैरेंट्रल प्रिपरेशंस को देते हैं तो उसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शंस का होता है काफी फास्ट होता है, हमने जैसे ही ड्रग दी और वो क्या जाता है, ब्लड में जाती है और तुरंत क्या करती है, एक्शन प्रोड्यूस करती है। बट सस्पेंशन में हम ऑनसेट ऑफ एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें जितना डिजायरेबल है हम उस हिसाब से ड्रग को क्या करते हैं, हमारा ब्लड में पहुंचता है, मतलब हमें ऑनसेट ऑफ एक्शन ज्यादा फास्ट की डिजायरेबल है तो हम उस हिसाब से हम सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करेंगे, और यदि हमें जरूरत है कि स्लोली या कांस्टेंट रेट में ड्रग रिलीज हो तो वहां पर हम इस तरीके से ड्रग को क्या कर सकते हैं, उस ऑनसेट ऑफ एक्शन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सस्पेंशन के सस्पेंशन के क्लोरम्फेनिकोल क्या होता है, टाइफाइड के लिए ड्रग होती है, तो
क्लोरम फेनिकॉल को हम क्या करते हैं सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करके हम उसको बिटर जो उसका बिटर नेचर है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं या फिर हम उस पर टेस्ट मास्किंग कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये सस्पेंशन के बहुत सारे एडवांटेज हैं, चाहे वो बात की ड्रग की स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो हम सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करके ड्रग की स्टेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि सस्पेंशन की बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो हम ड्रग को सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करके किसी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन होता है या जो ड्यूरेशन होता है उसको सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करके हम उसके ऑनसेट ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन को भी क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हमें किसी ड्रग को टेस्ट मास्किंग करना हो या वो अनप्रेजेंट फीचर को है तो हम उसको क्या कर सकते हैं मास्किंग कर सकते हैं बाय यूजिंग द सस्पेंशन लाइक जिसका एग्जांपल दिया हुआ है मैंने क्या क्लोरम फेनिकॉल। क्लियर। कुछ ड्रॉबैक भी है यहाँ पर सस्पेंशन के, ठीक है, क्योंकि हर ड्रग को सस्पेंशन फॉर्मुलेट कर तो रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक जो हम चाह रहे हैं कैरेक्टराइजेशन चाह रहे हैं वो हर ड्रग का उस सस्पेंशन के फॉर्म में मिल जाए। तो जैसे कि लाइक उसने बोला फिजिकल स्टेबिलिटी, बहुत सारी ड्रग होता है कि फिजिकली ड्रग क्या हो सकता है कि सस्पेंशन के फॉर्म में फॉर्मुलेट करने पर ड्रग क्या हो फिजिकली क्या हो जा रही है स्टेबल ना हो, ठीक है, मतलब फिजिकली उसकी स्टेबिलिटी लॉस हो जा रही हो। या फिर बात करें सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मतलब किसी ड्रग का पर्टिकुलर सेटल डाउन हो जाना, क्या हो जाना सेटल डाउन हो जाना। तो सेडिमेंटेशन तो सस्पेंशन का बिहेवियर है, ये सभी को हम लोग जानते हैं कि सस्पेंशन यदि हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसका सेडिमेंटेशन बिहेवियर होगा सेटल डाउन हो जाएगा, बट उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जैसे ही हम उसको सेक करें तो अपनी एल्यूजुअल कंडीशन में आ जाना चाहिए। लेकिन उस ड्रग क्या होती है कि हम बहुत ज्यादा सेटल्ड बन जाती है और तीन टाइप का फॉर्मेशंस कर लेती है तो वो सस्पेंशन फिर किसी हम पर्टिकुलर यूजेबल नहीं रह जाता है। और कॉम्पैक्शन की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉम्पैक्टेड फॉर्म बन जाता है कभी कभार सस्पेंशन बनाया बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया उसमें सेडिमेंटेशियस बिहेवियर ही नहीं रह जाता है, ठीक है। रिगोरसली सीक करने पर उसको क्या हो जाता है वो सीकिंग कंडीशन सीक करने पर भी वो अपनी एजिबल कंडीशंस पे नहीं आ पाता है। तो इट इज अ बल्की सफिशिएंट केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी हमें इसकी काफी केयर करना पड़ती है। हो सकता है कि काफी बल्की होता है सस्पेंशन तो हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में भी इसमें क्या होती है प्रॉब्लम होती है। डिफिकल्ट होता है फॉर्मुलेट करना सस्पेंशन को, इतना इजीली नहीं कर सकते हैं फॉर्मुलेट हमें सस्पेंशन। हमने बताया आपको बहुत सारी ड्रगों की सॉल्यूशंस के फॉर्म में जब वो फॉर्मुलेट नहीं हो पा रही है या किसी और भी फॉर्मुलेशंस में उसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मुलेट नहीं हो पा रहा है, हम उस केसेस में सस्पेंशन के फॉर्म में जा रहे हैं पहली बार। और सस्पेंशन को भी फॉर्मुलेट करना उसके आइडियल सस्पेंशन बनाना वो भी क्या होता है उसमें भी डिफिकल्टीज काफी आती है अच्छा सस्पेंशन बनाने में। और क्या है कि यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोजेस कैन नॉट बी अचीव अनलेस सस्पेंशन आर पैक्ड इन यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना सस्पेंशन में यूनिफॉर्मिटी को भी मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट होता है। क्लियर।